हरियाणा में कैथल जिले के रहने वाले जस्टिस सुरेश कुमार कैत ने मध्य प्रदेश के 28वें चीफ जस्टिस के तौर पर शपथ ली। राज्यपाल मंगू भाई पटेल ने राजभवन में आयोजित एक कार्यक्रम में उनको शपथ दिलाई। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने उच्च न्यायालय के नव नियुक्त मुख्य न्यायाधीश सुरेश कुमार कैत के सम्मान में दोपहर भोज दिया। मुख्य न्यायाधीश के पद की शपथ लेने के बाद कैत दोपहर में मुख्यमंत्री निवास पहुंचे। सीएम यादव ने उनका स्वागत किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने मुख्य न्यायाधीश को राजा भोज की और उनकी पत्नी सरोज कैत को रानी कमलापति की कांस्य प्रतिमा स्मृति चिन्ह के रूप में भेंट कर सम्मानित किया। इस अवसर पर राज्यपाल मंगू भाई पटेल, आमंत्रित न्यायाधीश गण, मुख्य सचिव वीरा राणा, पुलिस महानिदेशक सुधीर कुमार सक्सेना, अपर मुख्य सचिव डॉक्टर राजेश राजौरा सहित अधिकारी मौजूद रहे। सुरेश कुमार कैत, जो मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त हुआ हूँ, सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण रखूंगा तथा मैं सम्यक प्रकार से और श्रद्धापूर्वक तथा अपनी पूरी योग्यता, ज्ञान और विवेक से अपने पद के कर्तव्यों का भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना पालन करूंगा तथा मैं संविधान और विधियों की मर्यादा बनाए रखूंगा।